मेरा मानना है कि हाथरस की हृदय विदारक घटना के ऊपर संवेदनशीलता के साथ, गंभीरता के साथ, परिपक्वता के साथ बात करनी चाहिए। सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है, लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं और जो लोग दोषी हैं उन पर कठोरता से कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, आपकी इंडी गठबंधन की सरकार है, तमिलनाडु में 50 से अधिक लोग जहरीली शराब पीकर उनकी मृत्यु हो गई, वहां जाना तो छोड़िए, आपने एक बयान तक नहीं दिया। आपकी सरकार थी राजस्थान में, कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, सरतन से जुदा हो गया, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कन्हैयालाल साहू जी का। केरल में फादर जोजफ का हाथ काट दिया गया, कभी आप वहां गए नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस तरह की दुर्घटनाओं पर दुखद राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पर तौल कर गिद्ध दृष्टि की राजनीति नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से तमिलनाडु सरकार के लिए ये बहुत हम लोगों की आपत्तिजनक बात है और भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पर इसका पुरजोर विरोध किया है, क्योंकि वहां की सरकार के संरक्षण में आपराधिक तत्वों का बहुत प्रभाव बढ़ रहा है। अभी जहरीली शराब कांड हुआ था और अभी बसपा के अध्यक्ष की हत्या, और जिस प्रकार से पंजाब में हुआ है, या आम आदमी पार्टी के शासनकाल में पंजाब में होने वाली कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का प्रमाण है।